वेलकम बैक टू माय चैनल रियलिटी चेक बाय शिप्रा। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा किचन टूर। पर उसे स्टार्ट करने के पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आने वाले सारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सो फ्रेंड्स, आज मेनली मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना किचन टूर, पर इसके पहले मैंने अपने चैनल में आपके साथ शेयर किया लिविंग रूम टूर एज वेल एज डाइनिंग एरिया टूर। सो अगर आपने वो अभी तक ना देखे हो तो कोई बात नहीं, उसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले जितने भी प्रोडक्ट मैं आपको साथ दिखाने वाली हूँ एज अ डेकोर आइटम या फिर जो मैंने किचन से रिलेटेड लिए है तो वो उसके मैं एक्चुअली रिव्यू कर चुकी हूँ मैक्सिमम चीजों के अपने चैनल पे। अगर आप अभी तक वो ना देखे हो तो उनका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एंड सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, ने शुरू करते हैं अपना किचन एरिया देखना। तो जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि मैं रेंटल अपार्टमेंट में रहती हूँ, तो ये डुप्लेक्स बंगलो वाला रेंटल अपार्टमेंट है। तो यहाँ जो ग्राउंड फ्लोर है ना, सिंपल एक नॉर्मल बड़ा सा हॉल है। तो मैंने यहाँ तीन सेक्शन से डिवाइड किया है, जो मैं थर्ड सेक्शन शेयर कर ली हूँ किचन। अब मुझे ट्रांजेक्शन दिखाना था तो मैंने सबसे पहले यहाँ रखा है फ्रिज, क्योंकि फ्रिज रखने से क्या हुआ है कि ट्रांजेक्शन दिख पाता है इजिली डाइनिंग एरिया टू किचन। तो फ्रिज ये मेरा ओन बाय है, ओन परचेज है, क्योंकि मैक्सिमम फर्नीचर जो है मुझे ओनर ने ही दिया है। तो मुझे मैग्नेट का बहुत शौक है, तो मैंने सबसे पहले तो मैग्नेट रखा रखे हैं। तो जिस जिस कंट्री में गई हूँ वहां से मैंने मैग्नेट पिक किए और कुछ मैंने स्पेशली कस्टमाइज करके बनवाया है, जैसे कि ये मैंने कृष्णा आर्ट गैलरी से कस्टमाइज करके बनवाया है। तो यहाँ टू डू लिस्ट भी आप रख सकते हो, बट मैंने अपनी मेमोरीज वाली के तौर पे एक फोटो रखी है अपनी। तो बहुत क्यूट क्यूट से मैग्नेट है। थोड़ा सा और दिखा पाऊँ मैं आपको तो ये है मेरा डे चेंजर जो मैं लेके आई थी बाली से। तो मैं रोज डे चेंज करती हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। एंड छोटा सा एक छोटा फोटो फ्रेम रखा है एंड छोटा सा एक फ्लावर पॉट रखा हुआ है। तो आर्टिफिशियल फ्लावर पॉट मैंने मेनली यूज किया किचन में, क्योंकि रियल प्लांट के साथ थोड़ा डिफिकल्ट है मैनेज करना। ओपन किचन है या कोई चिमनी वगैरह का कंसेप्ट नहीं है तो जनरली स्टिकी हो जाती है चीजें। तो आर्टिफिशियल चीजें आप इजीली वॉश कर सकते हो, इसीलिए एज वेल एज मैंने कवर भी डाला है, सेम रीजन, क्योंकि ओपन किचन है, स्टिकीनेस का ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो मैंने मैक्सिमम चीजें कवर से कवर करके रखी है। तो यहाँ से जैसे अंदर अंदर आओगे तो ये है मेरा किचन। सो यहाँ से शुरू होता है मेरा किचन टॉप। तो मैंने बहुत ही सिंपल, बहुत ही मिनिमम चीजें रखी है, अगेन क्योंकि ज्यादा अगर आप चीजें जमा कर लोगे, बहुत ज्यादा क्लटर कर लोगे तो बहुत ज्यादा अजीब सा भी लगता है और बहुत ज्यादा यू नो डिफिकल्ट हो जाता है यूज करना। जितना सिंपल रखोगे उतना ज्यादा ब्यूटीफुल भी लगता है और इजी होता है एक्सेस करने के लिए। तो सबसे पहला मैंने सेक्शन में रखा है वो एक इलेक्ट्रिक केटल। तो उसमें मैंने एक स्पेशली चीज का ध्यान रखा है कि नीचे मैंने एक वुड का बेस रखा है, क्योंकि इससे लुक काफी एनहांस भी होता है और इसे शिफ्ट विफ्ट करने में बहुत ईजी रहता है जल्दी खराब होने के, क्योंकि गैजेट है। पानी किचन में तो क्या पानी वगैरह गिर जाता है, बहुत छोटी छोटी चीजें होती चलती रहती है। तो ये सेफ्टी वाइज भी काफी अच्छा है। एंड क्यूट सा एक कोट लगाया है जो कि मैंने कस्टमाइज कराया है कृष्णा आर्ट गैलरी से, जो कि है द सीक्रेट इंग्रेडिएंट इज ऑलवेज लव। अगर आप खाना प्यार से बना रहे हो तो खाने का टेस्ट डबल हो जाता है, ट्रिपल हो जाता है, तो मैं बिलीव करती हूँ। तो ये मैंने स्पेशली बनवाया था कृष्णा आर्ट गैलरी से। तो ऐसे साइन बोर्ड्स आपको इजीली अमेजोन और मीशो पे अवेलेबल है, और कुछ कस्टमाइजेशन आप चाहते हो तो डेफिनेटली यू शुड विजिट कृष्णा आर्ट गैलरी, वहाँ इतनी अमेजिंग चीजें हैं और मैंने मैक्सिमम चीजें वहीं से कस्टमाइज करके मंगवाई है। अफोर्डेबल भी है, क्वालिटी वाइज भी काफी अच्छे। तो उनका इंस्टा लिंक, उनका इंस्टा हैंडल मैं आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप चेक कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे है नॉर्मल अपना स्टोव। तो मेरा 3 बर्नर वाला स्टोव है प्रेस्टीज का, तो मैं से 1-1.5 साल से यूज कर रही हूँ, अभी तक तो मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम आई नहीं है स्टोव के साथ। और मैंने बहुत मिनिमम चीजें रखी है, जैसे कि गैस पाइपलाइन है, यहाँ सिलेंडर का यहाँ कोई सीन नहीं है, तो काफी हैंडी है इसे यूज करना। एंड जो नीचे दिया हुआ फर्नीचर, ये सब ओनर का दिया हुआ फर्नीचर है, काफी अच्छे से ड्रॉर्स है। अब जैसे कि ये रेंटल अपार्टमेंट है तो इनका है फर्नीचर, तो क्वालिटी वाइज तो ये ठीक ही है। अगर आप खुद का बनाते हो तो आप बहुत इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इसमें मैंने पर एक अच्छी बात यह है कि ये ऑलरेडी दे रखा है इसका मॉड्यूलर किचन, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा पे इन्वेस्ट नहीं करनी है। तो सबसे अच्छी बात मुझे इसकी यही लगी कि फर्नीचर काफी अच्छा है, तो मुझे एक्स्ट्रा चीजें इन्वेस्ट भी नहीं करनी है और मेरा काम भी जम जा रहा है। तो ये था पूरा मॉड्यूलर किचन सेक्शन। अगर आप चाहते हो कि मैं कैसे मैंने इसे ऑर्गेनाइज किया है देखना, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं कोशिश करूंगी कि वो ऑर्गेनाइजेशन की वीडियोस भी मैं आपके साथ शेयर करूं। सो चलिए लेट्स मूव ऑन। तो यहाँ सिंक दिया हुआ है, तो डेली जो कप्स होते हैं मग्स होते हैं उसे वॉश करने के लिए मैंने यहाँ छोटा सा डिस्पेंसर रख रखा है। तो कुछ नया टाइप का डिस्पेंसर जो मैंने अभी अभी ऑर्डर किया है, इसके पहले मैंने नहीं शेयर किया था अपने वीडियो पे,
तो आप लिक्विड भर दीजिए इसके अंदर एंड आपको बस इसके साथ इसको प्रेस करना है, जो आपका लिक्विड है वो ऊपर आ जाएगा, तो आप इजीली इसके हेल्प से वॉश कर सकते हो अपने बेसिक छोटे मोटे मग्स या यूटेंसिल्स। सो ये था मेरा सिंक एरिया, बहुत मिनिमम। अगेन यहाँ एक्चुअली उन्होंने शेल्फ दे रखा था, तो मैंने छोटू सा DIY करके नॉर्मल ग्लास जार में एक ये ऐड करके एलिमेंट एक क्यूट सा सेक्शन रेडी कर दिया है। तो एक्चुअली ये डिस्प्ले सेक्शन भी है और यूटिलिटी सेक्शन भी बोल सकते हो, मैं इसे यूज भी कर सकती हूँ और बहुत हैंडी है। एक वुड कटिंग करवा के इसमें मैंने शुगर टी एंड कॉफी लिख दी है पेंट से। अगर आपके पास वुड ना हो तो आप जो पुट्ठा आता है जो हार्ड बोर्ड वाला मटेरियल में जो आता है उस पर आप कटआउट करके इसे लगा सकते हो, लिख सकते हो, स्केच पेन से भी कर सकते हो। तो DIY से भी आप बहुत अच्छे अच्छे होम डेकोर बना सकते हो। तो मैं तो आपको प्रमोट करूंगी कि ऐसी कुछ क्रिएटिविटी निकाल के आप चीजें क्रिएट करिए जिससे कि आपके घर का भी लुक एनहांस हो जाए और आपका काम भी बन जाए। तो ये था मेरा ये सेक्शन जो मुझे बहुत पसंद है। देन यहाँ आते हैं तो मैंने किचन टॉवर रखा है। मैंने कोशिश की है कि मैं अपने किचन में वही सब चीजें रखूँ जो एक्चुअल मुझे रोज यूज है और दिखने में भी थोड़े अच्छे। तो मैंने कलर्स का बहुत यूज किया है कि ब्राइट कलर से ना घर में एक सिंपल से वॉल या सिंपल से बैकग्राउंड में तो जान आ जाती है। तो जैसे कि प्लेन व्हाइट कलर का यहाँ टाइल्स का काम किया विद ब्लैक टॉप, तो मैंने यहाँ कलर पॉप करने के लिए रेड कलर का किचन टॉवर रखा है। एंड गाइस यहाँ एडिशन में मैंने तांबे की कोठी रखी है। हम लोग तांबे की कोठी बोलते हैं कि बोलते हैं ना कि स्टार्ट ऑफ द डे में इस पर भरा हुआ पानी जो है वो पिया जाए तो बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए। तो मैं किचन में भी इसे यूज करती हूँ, किचन में आटा लगाने के लिए या सब्जी में डालने के लिए इसके अंदर जो स्टोर करती हूँ वाटर इसे ही यूज करती हूँ। देन मैंने अभी यहाँ ऐड किया है अपना वो सुराही बोलते हैं हमारे यहाँ जो मटकी मिट्टी का मटका होता है वैसे ही मिट्टी वाली बॉटल है। तो समर स्टार्ट हो गया है तो मैं फ्रिज का पानी ना पीते हुए इसमें स्टोर करके पानी पीती हूँ। एक तो ये दिखने में भी बहुत सुंदर, तो ये किचन का भी लोग एनहांस कर देती है और इसका पानी काफी ठंडा होता है। तो मैं तो कोशिश कर रही हूँ कि धीरे धीरे मैं प्लास्टिक का जो यूज है कम करते जाओ, इतना एकदम से तो नहीं होगा पर कोशिश हाँ जरूर कर रही हूँ मैं। अभी फिलहाल में समर एडिशन मेरा ये है। देन नेक्स्ट मैंने यहाँ ऑयल डिस्पेंसर के लिए एक ट्रे बनवाई है, अगेन कृष्णा आर्ट गैलरी से मैंने कस्टमाइज करके लिए क्योंकि मुझे स्पेसिफिकली व्हाइट ही बेस चाहिए था। एंड यहाँ मैंने अपने ऑयल डिस्पेंसर रख रखे, तो ये मैंने अमेजोन से लिया है, ये सुपर सॉफ्ट 99 से लिया है एंड अगेन ये मीशो से लिया है। मैं आपको एक बार बताना चाहती हूँ कि प्लास्टिक वाले जो डीमार्ट में ऑयल डिस्पेंसर में इसके पहले यूज करी थी का मेंटेनेंस थोड़ा ज्यादा था क्योंकि प्लास्टिक है तो स्टिकीनेस निकलती नहीं है जल्दी, वॉश करना काफी डिफिकल्ट है। पर जब से मैं ये ग्लास वाला डिस्पेंसर यूज करी उसको मेंटेन करना इतना ईजी है और इतना प्यारा भी लगता है ये लुक वाइज। सो ये था मेरा ऑयल सेक्शन जहाँ मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑयल और उनके अलग अलग टाइप के डिस्पेंसर रखे हैं। यहाँ मैंने छोटा सा एलिमेंट ऐड करने के लिए एक आर्टिफिशियल फ्लावर पॉट रखा है। तो यहाँ बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा होगा कि मैं इतनी प्लांट लवर हूँ तो मैंने रियल प्लांट क्यों नहीं रखा, तो रख रखा था मैंने पर वो सस्टेन नहीं कर पाया। और सेकंड रीजन ये मेंटेनेंस करना काफी डिफिकल्ट है रियल प्लांट का क्योंकि यहाँ ओपन किचन होने के कारण जो ऑयल का जो हम छॉक करते हैं उसका स्टिकीनेस पत्तों में स्टिक हो जाता है तो वो वॉश करना बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए मैंने आर्टिफिशियल प्लांट रखा है कि इसे वॉश कर लो तो उसको मेंटेनेंस ज्यादा लगता नहीं, बहुत ईजी है और एक कलर भी ऐड करता है, एलिमेंट ऐड करता है। तो यहाँ पुराने स्टाइल का मैंने चीनी मिट्टी वाला जार रखा है जहाँ सॉल्ट के लिए, तो बहुत क्यूट सा है, तो पुराने घरों पे काफी देखने मिलता था, आजकल काफी ट्रेंड में है। तो मैंने ये एक ऐड किया है एंड एक मैंने मग का सेट ऐड किया जो कि मैंने होम सेंटर से लिया था। एंड यहाँ मैंने बॉटल्स रखी है और यहाँ मैंने अपना रखा है ओवन, तो यहाँ से बहुत इजी है मुझे एक्सेस करना। एंड यहाँ कॉर्नर पे रखा है मैंने अपना नाइफ सेट एज वेल एज चॉपिंग बोर्ड। तो बहुत ही मिनिमम चीजों के साथ मैंने अपने किचन को स्टाइल किया है और ऐसी कोशिश की है कि बहुत ज्यादा एक्सेसिबल भी हो, बहुत ज्यादा फंक्शनल भी हो और जो भी चीजें मैंने यहाँ रखी है तो कोशिश की ज्यादा से ज्यादा ये पॉकेट फ्रेंडली हो, रेंटल फ्रेंडली हो। एंड हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, हर इंडियन घर में चाय पीने का काम जमता ही नहीं है और विदाउट अदरक वाली चाय के तो चाय पीने का मजा ही नहीं है। तो स्पेशली मैंने चाय में अदरक डालने के लिए एक छोटू सा पॉट रखा है जहाँ मैं अपने अदरक को कूट सकूं। तो ये था मेरा छोटू सा किचन, बट किचन यहाँ खत्म नहीं होता है क्योंकि किचन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है यूटिलिटी स्पेस। तो यहाँ मुझे एक बहुत ही अमेजिंग सी यूटिलिटी स्पेस दी हुई है, तो मैं आपको ग्लिम्स देती हूँ कि कैसा यूटिलिटी स्पेस है मेरे पास। और खुद का घर आप प्लान कर रहे हो तो आप यहाँ से कुछ आइडिया ले सकते हो क्योंकि यहाँ का यूटिलिटी जो स्पेस है काफी अमेजिंग सा है। सो यहाँ से शुरू होता है मेरा यूटिलिटी स्पेस।
अभी फिलहाल में एक्चुअली यहाँ बर्तन और कपड़े हो चुके हैं, तो यहाँ आपको दिख जाएगा सिग्नल। सो ये है मेरा यूटिलिटी स्पेस। तो जैसे कि आप देख रहे हो, जैसे कि यहाँ बर्तन वगैरह करने के लिए यहाँ जगह दी हुई है। तो यहाँ उन्होंने शेल्फ बना रखे हैं, तो अपने घर में अगर आप कंस्ट्रक्ट करवा रहे हो तो आप ऐसे शेल्फ बनवा सकते हो, बहुत यूजफुल होते हैं पाइप या डिस्पेंसर्स रखने के लिए। ये है ड्राई एरिया, यहाँ आप अपने कपड़े सुखा सकते हो। यहाँ मैंने वॉशिंग मशीन रख रखी है, एंड जो भी एक्स्ट्रा स्टफ है मेरा, जैसे कि एक्स्ट्रा कूलर और जो बकेट्स होती है, जो टब्स होते हैं, सारे सेक्शंस यहाँ दिए हुए स्टेप बाय स्टेप, तो मैंने वहाँ सब स्टोर करके रखा है। और ये ना छोटा सा प्यारा सा यूटिलिटी स्पेस है, यहाँ प्रॉपर मशीन के लिए वाटर टैप का अरेंजमेंट किया हुआ है। तो मुझे इस घर में यहाँ पर यूटिलिटी स्पेस बहुत अच्छा लगा है, बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा फंक्शनेबल है। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का किचन टूर। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड कलीग्स के साथ। एंड गाइस, मैंने इसके पहले अपने लिविंग रूम टूर एज वेल एज डाइनिंग एरिया टूर पे भी वीडियो बना रखे है। अगर आपने वो अभी तक ना देखे हो तो कोई बात नहीं, इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। एंड गाइस, फॉर मोर एक्साइटिंग वीडियो स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल रियलिटी चेक बाय शिप्रा।